अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश्रम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। चामुंडा विजय स्वाहा, ओ मैम हिंग चामुंडा विजय स्वाहा, ओ मैम हिंग चामुंडा विजय स्वाहा, ओ मैम हिंग चामुंडा विजय स्वाहा, ओम सर्वाभा धाम धर्मुक्त धन धन्यतामिता मनुष्य मर्षादे न भविष्य न संशय स्वाहा, ओम सर्वाबाधा मिदर्मुक्त धन धन्यतामिता मनुष्य मर्षादे न भविष्य न संशय स्वाहा। माँ बगलामुखी के इस पावन दरबार में आप सबकी हाजिरी लग रही है। आज बड़ा उत्तम दिन है, आज संग्रांत भी है और साथ में माँ भगवती का ये पवित्र जो यज्ञ है ये भी चल रहा है। आप बड़भागी हो कि अपना कीमती समय निकालकर माँ भगवती के प्रांगण में आकर माँ भगवती की गोदी में बैठकर आप सभी मंत्रोच्चारण द्वारा उनकी स्तुति करते हो एवं जाप और पाठ करते हो। ये जो पाठ है माँ बगलामुखी का, ये हमेशा हमें शत्रुओं से बचाता है। हमारे घर में जो व्याधियां हैं, रोग है, दोष है, उनका स्तंभन करता है एवं हमें मानसिक शांति के साथ साथ हमें एक अलौकिक सुरक्षा का कवच प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में, अपने कारोबार में, अपने घर परिवार में, अपने जो भी हमारे दिनचर्या है उसमें एक सुरक्षा महसूस करते हैं।